हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच बीएड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है शिक्षण कौशल यानी टीचिंग स्किल। देखिए, आपको जो बिहार यूनिवर्सिटी का जो बीएड का 2020 में एग्जाम होने वाले है फर्स्ट ईयर के लिए, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, टीचिंग स्किल क्या होता है, देखिए इसका हम इंट्रोडक्शन। देखिए, ये आपको कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, पूछा जाएगा कि एक शिक्षक में मतलब कौन कौन से टीचिंग स्किल होना चाहिए, मतलब टीचिंग स्किल से कोई भी क्वेश्चन आए उसमें टीचिंग स्किल है उसका कंबाइंड आंसर है, तो आप आंसर यही लिखिएगा। देखिए, अब इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि शिक्षण विज्ञान है तो वही अधिगम क्या है, कला है। इसीलिए वर्तमान समय में अच्छे शिक्षक तैयार करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मतलब देखिए, हम लोग भी बीएड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि हम लोग को बीएड मतलब टीचर बनने से पहले क्या है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि हमें क्या हो कि मतलब शिक्षण कौशल का विकास हो सके। तो वही चीज बोला जा रहा है कि इसीलिए वर्तमान समय में अच्छे शिक्षक तैयार करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे उनसे शिक्षण के लिए आवश्यक कौशलों को विकसित किया जा सकता है। मतलब हम लोग को मतलब अब टीचर में बहाली के लिए क्या चाहिए कि बीएड करना चाहिए, मतलब बीएड प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, तब आप टीचर बन सकते हैं। और प्रशिक्षण में क्या कि आपको तब प्रशिक्षण कीजिएगा, तब वो क्या होगा कि ऑटोमेटिक शिक्षण कौशल का विकास होगा, वहाँ कराया जाएगा, जिससे उनमें शिक्षण के लिए आवश्यक कौशलों को विकसित किया जा सकता है और अध्यापक इन्हीं कौशलों का उपयोग कर कक्षा में प्रभावी शिक्षण कर अच्छे शिक्षक बन सकता है। मतलब उसमें शिक्षण कौशल आ जाएगा तो क्या होगा कि वो अच्छा से शिक्षण कार्य कर पाएगा और अच्छा टीचर बन पाएगा। देखिए, शिक्षण कौशल क्या होता है, एकदम समझिए कि आप क्लास में टीचिंग करा रहे हैं, शिक्षण करा रहे हैं, और कोई विषय वस्तु को उसको जितना सरल तरीका से, जितना सुगम तरीका से उस चीज़ को बता रहे हैं, वही क्या होता है, शिक्षण कौशल होता है। आगे हम बताएंगे क्या उसका डिफिनेशन है। देखिए, लिखा हुआ है, जिस प्रकार एक सैनिक या योद्धा को युद्ध क्षेत्र में हथियार चलाने के सभी कौशलों को निपुण होना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार एक सफल शिक्षक होने के लिए शिक्षण कौशल की जानकारी होना आवश्यक है। देखिए, एकदम सही बात कहा गया है कि जिस प्रकार एक सैनिक या योद्धा को, देखिए जो सैनिक होता है जो युद्ध लड़ता है, वो इसे युद्ध क्षेत्र मतलब जहाँ युद्ध होता है वहाँ पर वो हथियार चलाने के सारे कौशलों से निपुण हो, मतलब कैसे हथियार चलेगा वो सारे कौशलों से क्या होता है, निपुण होता है। वैसे ही आप टीचर जब बनिएगा तो आप में क्या होना चाहिए कि शिक्षण कौशल का होना अति आवश्यक है। तो ये चीज़ समझ गए होंगे। आगे लिखा हुआ है, अतः एक अध्यापक के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह शिक्षण कौशलों का संप्रदाय को समझे, उनकी अवधारणाओं से परिचित हो तथा उन शिक्षण कौशलों पर उनका पूर्ण अधिकार प्राप्त करने में समर्थ हो, तभी वह एक सफल निपुण एवं प्रभावी शिक्षक बन सकता है। देखिए, कहा गया है कि जो शिक्षण कौशल का जो संप्रदाय होता है, कॉन्सेप्ट होता है, उसकी अवधारणा होती है, उससे क्या हो, परिचित हो एवं उन शिक्षण कौशलों पर उनका पूर्ण अधिकार प्राप्त करने में समर्थ हो, तभी वह क्या होगा, सफल निपुण तथा प्रभावी शिक्षक बन सकता है। आइए अब देखते हैं शिक्षण कौशल का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ टीचिंग स्किल। देखिए, लिखा हुआ है कि शिक्षण कौशल का अर्थ है कि प्रत्यक्ष रूप से अध्यापक अधिगम को सरल एवं सहज बनाने के उद्देश्य से किए जाने वाले शिक्षण कार्य के व्यवहारों का समूह शिक्षण कौशल कहता है। मतलब देखिए, बोला जा रहा है कि शिक्षण कौशल का अर्थ होता है कि प्रत्यक्ष रूप से अध्यापक अधिगम को मतलब अध्यापक अधिगम को सरल एवं क्या सुगम बनाने के उद्देश्य से शिक्षण कार्य के व्यवहारों का समूह बनाने के उद्देश्य से किए जाने वाले शिक्षण कार्यों के व्यवहारों का समूह। देखिए, व्यवहार क्या होता है, हम पहले बताए थे कि वैसी क्रिया जो हमें बाह्य रूप में दिखाई दे, मतलब टीचर कोई ऐसी क्रिया करे जो बाह्य करे, जैसे हम लोग रोते हैं तो बाह्य रूप में पता चलता है कि हम लोग रो रहे हैं, हंस रहे हैं, वैसी ही एक्टिविटी का क्या जो भी करके वो बच्चों को क्या करे, अधिगम जो कराए तो क्या सरल एवं सुगम हो, उन्हीं व्यवहारों का जो समूह होता है वही क्या होता है, शिक्षण कौशल होता है। अर्थात शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक के द्वारा प्रश्न पूछना, व्याख्यान देना, सहायक सामग्री का प्रदर्शन करना, पूर्ण बलन देना, उदाहरण प्रस्तुत आदि कार्य करने होते हैं, जिनके द्वारा वो अपने शिक्षण प्रक्रिया को सरल, सुगम तथा रुचिपूर्ण बना सके। इन्हीं संपूर्ण प्रक्रिया को शिक्षण कौशल कहा जाता है। मतलब कहा जा रहा है कि शिक्षक द्वारा जब प्रश्न पूछा जाता है, व्याख्यान दिया जाता है, सहायक सामग्री का प्रदर्शन किया जाता है, पुनर्बलन दिया जाता है, उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, इसमें वो कौन मतलब ऐसा मतलब इस चीज को क्या करे कि शिक्षण प्रक्रिया क्या करे, सरल, सुगम और रुचिपूर्ण बनाने के लिए जो संपूर्ण प्रक्रिया करता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग कि शिक्षण कौशल कहा जाता है।
लिखा है, विभिन्न शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिकों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर शिक्षण कौशल की निम्नलिखित परिभाषाएं दी है। देखिए लिखा है, पहला डिफिनेशन है विक्के पासी के अनुसार। देखिए वो बोल रहे हैं कि शिक्षण कौशल उन परस्पर संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है जो विद्यार्थी के अधिगम में सहायता देता है। देखिए मतलब डिफिनेशन वो दिए हुए हैं विक्के पासी महोदय कि शिक्षण कौशल उन परस्पर संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है। मतलब देखिए शिक्षण कौशल है जो ना वो शिक्षण क्रियाओं से संबंधित व्यवहारों या क्रियाओं का समूह है जो विद्यार्थियों के अधिगम में क्या करता है, सहायता देता है। मतलब वो विद्यार्थियों का जो सीखता है उसको क्या करता है कि उस चीज को सरल सुगम बनाता था, वही सहायता देता है। ये किसके अनुसार डिफिनेशन है, विक्के पासी के अनुसार। दूसरा डिफिनेशन है वाइट के अनुसार कि शिक्षण कौशल शिक्षण व्यवहारों से संबंधित वह स्वरूप है जो कक्षा की अंतःक्रिया द्वारा उन विशिष्ट परिस्थितियों को जन्म देता है जिसे सीखने में सुगमता प्रदान होती है। मतलब बोल रहा है कि शिक्षण कौशल शिक्षण व्यवहार से संबंधित वह स्वरूप है, मतलब वह स्वरूप है जो कक्षा की अंतःक्रिया द्वारा, मतलब कक्षा में अंतःक्रिया किसके द्वारा होगा, टीचर और स्टूडेंट में अंतःक्रिया होगा, जिसके द्वारा क्या होगा एक विशिष्ट परिस्थिति को जन्म देता है जिससे क्या होता है सीखने में सुगमता होती है। मतलब अंतःक्रिया अच्छा होगा तो क्या होगा सीखने में मदद होगा। तीसरा है डॉक्टर क्रूस श्रेष्ठ के अनुसार। डॉक्टर क्रूस श्रेष्ठ के अनुसार क्या है कि शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में वह शस्त्र है जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण को प्रभावी तथा सक्रिय बनाता है। मतलब डॉक्टर क्रूस श्रेष्ठ के अनुसार है कि शिक्षण जो कौशल है वह शिक्षक के हथियार शिक्षक का हाथ का वह शस्त्र है जिसका प्रयोग करके शिक्षक क्या करता है अपनी कक्षा शिक्षण को प्रभावी तथा सक्रिय बनाता है। अब देखते हैं चौथा डिफिनेशन है एनएल गेज के अनुसार। देखिए एनएल गेज बोल रहे हैं कि शिक्षण कौशल वे अनुदेशात्मक क्रिया और विधियां हैं जिनका प्रयोग शिक्षक अपनी कक्षा में अधिगम को सरल एवं सुगम बना लिए करता है। मतलब वो अनुदेशात्मक क्रिया है कौन, शिक्षण कौशल जिसका प्रयोग क्या करता है शिक्षक अपनी कक्षा में अधिगम को सरल एवं सुगम बनाने के लिए करता है। देखिए एक डिफिनेशन है हम अपने अनुसार दिए हुए हैं। देखिए लिखा हुआ है कि अपने अनुसार हम डिफिनेशन दिए हुए लिखा हुआ है कि शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य करते हुए अपने शिक्षण को प्रभावपूर्ण रुचिकर एवं उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए जो कुछ भी करता है उसी को शिक्षण कौशल कहते हैं। मतलब देखिए जो अध्यापक कोई चीज करा रहा है, मतलब शिक्षण कार्य करा रहा है, पढ़ा रहा है, तो अपने जो शिक्षण को मतलब अपने जो पढ़ा रहा है उस चीज को प्रभावपूर्ण उसका प्रभाव पड़े वह रुचिकर एवं उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए जो कुछ भी करता है वही क्या होता है वह शिक्षण कौशल होता है। जो कुछ भी करे मतलब इतना समझिए कि आप शिक्षण करा रहे हैं और उस चीज को बच्चा जल्दी समझे जल्दी सीख ले उस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट रखे उसके लिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं वही क्या होता है शिक्षण कौशल हो रहा है। आप गाना गा के पढ़ाइए, आप उदाहरण दे के पढ़ाइए, आप कोई भी एक्टिविटी करके पढ़ाइए जिससे बच्चा उस चीज को समझ सके वही क्या होता है शिक्षण कौशल होता है। आइए अब देखते हैं शिक्षण कौशल की विशेषता मतलब कैरेक्टर ऑफ टीचिंग स्किल। देखिए लिखा हुआ है शिक्षण कौशल की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। देखिए पहला है शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं। देखिए आप में जब शिक्षण कौशल आ जाएगा तो आप शिक्षण को क्या करेगा प्रभावशाली या प्रभावपूर्ण बनाते हैं। दूसरा है शिक्षण कौशल के प्रशिक्षण से शिक्षकों के व्यवहार में परिवर्तन आता है। सही बात क्या है कि जब आप प्रशिक्षण करने जाइएगा बीएड कॉलेज में जब मतलब बीएड करिएगा तो आप देखिएगा कि वहाँ शिक्षण कौशलों का जब विकास होगा तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। तीसरा है शिक्षण कौशल कक्षा में शिक्षण की परिस्थिति उत्पन्न करती है। मतलब शिक्षण कौशल होता है कक्षा में क्या करता है शिक्षण की परिस्थिति उत्पन्न करती है। चौथा है शिक्षण कौशल शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। जो शिक्षण कौशल होता है वो शिक्षण की उद्देश्यों की प्राप्ति में क्या होता है सहायक होता है। पांचवा है शिक्षण कौशल विषय वस्तु को सरल एवं सुगम बनाता है। तो सही बात है जो शिक्षण कौशल से कोई टीचर पढ़ाएगा तो विषय वस्तु क्या होगा बहुत सरल एवं सुगम होगा। चौथा छठा है कि शिक्षण कौशल विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। जो विशिष्ट लक्ष्य होता है उसकी प्राप्ति में क्या होता है सहायक। आइए अब देखते हैं शिक्षण कौशल के प्रकार मतलब कौन कौन से प्रकार होते हैं कौन कौन शिक्षण कौशल होते हैं। देखिए लिखा है शिक्षण कौशल निम्न प्रकार होते हैं। देखिए पहला है प्रस्तावना कौशल इंट्रोड्यूसिंग स्किल। देखिए प्रस्तावना कौशल क्या होता है तो समझिए कि कोई भी टीचर जब पाठ पढ़ाने जाता है तो देखिए आप कोई भी एक बात समझिएगा आप कोई इंटरव्यू में जाइएगा तो आपसे देखिए कहेगा कि आप कोई चैप्टर पढ़ाइए कोई चीज़ पढ़ाइए तो वहाँ पर सबसे पहले याद रखिएगा कि कोई चीज़ बोलेगा कि आप ये चीज़ पढ़ाइए वो चीज़ पढ़ाइए तो याद हमेशा रखिएगा कि आप
ब्लैक बोर्ड पर जो चीज़ पढ़ाइएगा तो उस चीज़ को आप जो टॉपिक है उस टॉपिक को नहीं लिखिएगा, आप कोई उसको पूर्व ज्ञान से जोड़कर तब आप उस टॉपिक को लिखिएगा। जैसे मान लीजिए आपको पढ़ाना है नाम संज्ञा पढ़ाना है, ठीक है, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो आपको संज्ञा पढ़ाना है तो आप बच्चा से पूछे कि हाँ आपका क्या नाम है, चाहे से पूछेगा कि हाँ बाबू बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तो उस चीज़ आप ब्लैक बोर्ड पर लिख लीजिएगा। फिर बोलिएगा कि बाबू तुम्हारा घर कहाँ है, दूसरा बच्चा को उठा के, तो बोलेगा कि मेरा घर पटना है। फिर तीसरा से पूछिएगा कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन है, तो बताएगा, मतलब पूर्व ज्ञान से जोड़ कर आप पढ़ाएगा तो ये बता देगा। तो गंगा हुआ या पटना हुआ, और उसके बाद नाम बताएगा, अभिषेक, आनंद, जो भी चीज़ बताए तो वो चीज़ बताइएगा। तो बोलिएगा कि नाम जो संज्ञा होता है वो क्या होता है कि कोई भी स्थान या नाम का जो अथी होता है उसी को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। तो ये चीज़ आप कोई भी टॉपिक बोलेगा पढ़ाने के लिए तो आप क्या कीजिएगा, उस टॉपिक को नहीं लिखिएगा, मतलब उस बच्चे को पूर्व ज्ञान से संबंधित करके उस चीज़ को आप स्टार्ट कीजिएगा। तो आप बोलिएगा कि जो संज्ञा पढ़ाना, तो बोल दीजिएगा जो स्थान नाम का जो नाम होता है वही क्या होता है, संज्ञा होता है, जिससे बोध वही क्या होता है, संज्ञा होता है। तो ये चीज़ आप, तो वही चीज़ यहाँ लिखा है, प्रस्तावना कौशल जो होता है, इंट्रोड्यूसिंग जो स्किल होता है, लिखा हुआ है कि किसी भी शिक्षण की शुरुआत का प्रथम चरण प्रस्तावना होता है। मतलब कोई भी आप टीचिंग शिक्षण कराइएगा तो उसका जो प्रथम चरण होता है वो क्या होता है, प्रस्तावना, प्रस्तावना होता है। अर्थात किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले प्रस्तावना बनाना चाहिए। प्रस्तावना से तात्पर्य विषय वस्तु को समान जानकारी से होता है। जो प्रस्तावना का जो तात्पर्य होता है क्या होता है कि विषय वस्तु की समान जानकारी से होता है। देखिए प्रस्तावना कौशल के प्रयोग में सर्वप्रथम शिक्षक पढ़ाए जाने वाले पाठ के बारे में छात्रों की जानकारी लेने के लिए प्रश्न करता है। देखिए हम बोले नहीं कि प्रश्न करता है कि मान लीजिए कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, जैसे संज्ञा पढ़ाना है आपको, तब पूछेगा कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आप बिहार, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन है, तो ये सब चीज़ पूछ के वहाँ फिर बताइएगा कि मतलब संज्ञा क्या है। तो नाम जो मतलब बोध होता है वही क्या होता है, संज्ञा होता है। तो आगे वही लिखा है कि पढ़ाए जाने के छात्रों की प्रश्न करता है और उन्हीं के बाद उनके पूर्व ज्ञान को नई जानकारी से जोड़ते हुए शिक्षण करता है। मतलब जो पूर्व ज्ञान है उसको नई जानकारी से जोड़ते हुए क्या करता है, शिक्षण करता है। प्रस्तावना कौशल में ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सूत्र का अनुसरण किया जाता है। ज्ञात मतलब वो चीज़ को ज्ञात है, फिर क्या किया जाता है, अज्ञात की ओर ले जाया जाता है। अब लिखा होगा जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे पढ़ाना है भारत देश पाठ पढ़ाना है, देखिए बोला जा रहा है कि हमको क्या पढ़ाना है, भारत देश पाठ पढ़ाना है, तो प्रस्तावना कौशल का प्रयोग इस पर कार्य करेंगे। देखिए लिखा हुआ है कि विश्व के कुछ देशों के नाम बताइए, हम बच्चा लोग से पूछेंगे कि विश्व के कुछ देशों के नाम बताइए, तो बताएगा भारत, बताएगा नेपाल, बताएगा चाइना, बताएगा जर्मनी, अमेरिका, जो भी बताएगा पाँच छः को। फिर बताएंगे या किस, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे या किस देश का, हम कोई मैप मतलब मैप बताएंगे, बताएंगे कि बताइए किस या कौन सा देश का मैप है। फिर तीसरा बताएंगे भारत देश का मैप दिखा कर पूछ सकते हैं। तीसरा बोल सकते हैं कि हम किस देश में रहते हैं, तो बताएगा भारत देश में रहते हैं। तो हम अब भारत नाम आ गया यहाँ पे, तो अब हम क्या करेंगे, अब पाठ को शुरुआत करेंगे, बताएंगे कि हम लोग भारत देश के बारे में पढ़ेंगे। ये चीज़ आप समझ गए कि प्रस्तावना कैसे हम प्रस्तुत करते हैं। अब दूसरा देखते हैं कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल, क्लास क्लास मैनेजमेंट स्किल। देखिए आप में जब तक क्लास मैनेजमेंट स्किल नहीं आएगा तो आप अच्छा टीचर नहीं हो सकते। मान लीजिए आप बहुत अच्छा टीचर है, ठीक है, और आपको पढ़ा रहे हैं और बच्चा उस चीज़ को आप क्लास में है वो क्या है कि घूम रहा है, मतलब हल्ला कर रहा है, तो वो चीज़ आपको मतलब दूसरा बच्चा भी डिस्टर्ब होगा। इसीलिए आप में क्या होना चाहिए कि कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन लिखा हुआ है कि कक्षा में छात्रों के बैठने के तरीके से लेकर कक्षा में छात्रों में अनुशासन तथा छात्रों के शिक्षण प्रक्रिया में रुचि बनी रहे, इन सब का प्रबंधन करना कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल के अंतर्गत है। देखिए एकदम सही कहा गया है कि कक्षा कक्ष प्रबंधन में क्या होता है कि छात्रों में अनुशासन तथा और कक्षा में छात्रों के बैठने की व्यवस्था से लेकर छात्रों के शिक्षण प्रक्रिया में रुचि ले, मतलब आप पढ़ा रहे हैं और जो आपका स्टूडेंट हो वह रुचि नहीं ले रहा है, तो भी क्या है वो चीज़ रुचि लेना चाहिए। ये सब किसके अंतर्गत आता है, कक्षा कक्ष प्रबंधन के अंतर्गत आता है। आप देखते हैं तीसरा देखते हैं श्यामपट्ट कौशल, ब्लैक बोर्ड स्किल। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट का सही तरीके से प्रयोग करना ही श्यामपट्ट कौशल के अंतर्गत है। देखिए श्यामपट्ट कौशल का मतलब कि आप श्यामपट्ट पर अच्छा तरह से लिख रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ सब किसके अंतर्गत आता है, श्यामपट्ट कौशल के अंतर्गत आता है। शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर चौक द्वारा 45 डिग्री के कोण पर लिखना चाहिए। देखिए एकदम सही कहा गया है कि आप 45 डिग्री के कोण पर ब्लैक बोर्ड पर लिखना चाहिए। क्वेश्चन सीटेट में भी पूछा गया है कि ब्लैक बोर्ड पर कोई शिक्षक कितने डिग्री एंगल पर लिखता है, तो बताइएगा 45 डिग्री एंगल पर।
आगे लिखा है कि छोटी कक्षाओं के लिए श्यामपट्ट अति आवश्यक होता है। श्यामपट्ट पर जो कुछ लिखना चाहिए वह स्वच्छ स्पष्ट एवं सीधी लाइन में लिखना चाहिए। देखिए एकदम सही बात कहा गया कि श्यामपट्ट आप जो कुछ भी लिखिए वो क्या लिखिए, स्वच्छ लिखिए, मतलब साफ लिखिए, स्पष्ट लिखिए, वो चीज़ बुझाना चाहिए। और तीसरा क्या है कि सीधी लाइन में लिखिए, टेढ़ मेढ़ नहीं लिखिए, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तीसरा है उत्पन्न परिवर्तन कौशल। देखिए उत्पन्न परिवर्तन कौशल करने का मतलब सिंपल समझिए कि आप कोई चीज़ एक एग्जाम्पल देकर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बच्चा उसमें बोर हो गया तब क्या करें कि दूसरा एग्जाम्पल लेकर पढ़ाई, यही क्या होता है उत्पन्न परिवर्तन कौशल। लिखा हुआ है छात्रों का ध्यान टॉपिक से बना रहे इसके लिए अध्यापक को अपने शरीर के संचालन, अपने हाव भाव में परिवर्तन, स्वर में उतार चढ़ाव, छात्र शिक्षक के अंतःक्रिया में परिवर्तन आदि करता है। ये सब क्रिया उत्पन्न परिवर्तन कौशल के अंतर्गत आता है। देखिए बोल रहा है कि अध्यापक छात्रों का ध्यान टॉपिक में बना रहा है, मतलब उस टॉपिक में बना रहे इसके लिए अध्यापक को अपने शरीर के संचालन, देखिए मान लीजिए वो कोई शरीर के दूसरे एक संचालन से पढ़ा है तो क्या बच्चा बोर हो जाएगा, फिर दूसरा संचालन से पढ़ा, फिर अपने हाव भाव में परिवर्तन करे, अपने स्वर में उतार चढ़ाव करे, या छात्र से जो अंतःक्रिया में परिवर्तन करे, यही सब क्या है, ये सब क्रिया उत्पन्न परिवर्तन कौशल के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं पांचवा है पूर्ण बलन कौशल, रेनफोर्समेंट स्किल। देखिए पूर्ण बलन कौशल क्या होता है समझिए कि पूर्ण बलन कौशल है कि आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और बीच में कोई क्वेश्चन पूछे, बच्चा जवाब दे दिया तो उसको आप रेनफोर्समेंट दीजिए, मतलब शाबाशी दीजिए। रेनफोर्स का मतलब होता है कि मतलब ऐसा चीज़ कोई देना जो बच्चा उस चीज़ को मतलब लेने के बाद उस चीज़ बार बार करे, ठीक है। मान लीजिए कि कोई बच्चा आंसर दे दिया अच्छा तो आप उसको बोले शाबाश बोले तो क्या होगा उसमें खुशी आएगा, उस चीज़ को करने के लिए वो बार बार सोचेगा, आप बोल देगा हाँ बहुत अच्छा, मतलब क्या बोल दिए कि हाँ कि आप बहुत अच्छा आंसर दिया, मतलब उसको शाबाशी दे जाए जो चीज़ दे, ये सब रेनफोर्समेंट के अंतर्गत आता है। रेनफोर्समेंट का डेफिनेशन होता है कि वह मतलब क्रिया जिसके द्वारा वो क्रिया देना जिसके द्वारा बच्चा वो क्रिया को बार बार करने के लिए तत्पर हो, वही क्या होता है रेनफोर्समेंट होता है। तो किसी ऐसे पूर्ण बलन लिखा हुआ है किसी ऐसे पूर्ण बलन का प्रयोग करना या पहले से किए गए पूर्ण बलन को हटाना जिससे छात्र शिक्षा की अनुक्रिया बनी रहे, तो यह पूर्ण बलन कौशल के अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा मान लीजिए कि बोल रहा है कि ऐसे पूर्ण बलन का प्रयोग करना, मतलब आप ऐसे पूर्ण बलन का प्रयोग कीजिए जिससे क्या हो कि छात्र में अनुक्रिया मतलब छात्र और शिक्षक की अनुक्रिया क्या रहे बनी रहे, वही क्या आता है पूर्ण बलन कौशल के अंतर्गत है। जैसे लिखा है छात्रों को शाब्दिक और शाब्दिक पूर्ण बलन, देखिए शाब्दिक के अंतर आ गया कि बोल दे हाँ बहुत अच्छा आप किए, ठीक है, चाहे बोल सकते हैं कि हाँ आपका जवाब बहुत अच्छा है, ये शाब्दिक हुआ। और अशाब्दिक अंतर्गत आया कि आप हाथ के इशारा से बोल दिए हाँ बहुत अच्छा है, मतलब मुंह के इशारा से बोल दिए, मतलब जो आँख के इशारा से बोल दिए, मुड़ी हिला के बोल दिए, मतलब सिर हिला के बोल दिए, ये सब क्या हुआ कि अशाब्दिक पूर्ण बलन के अंतर्गत है। छठा देखते हैं खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। लिखा है कि यदि कोई छात्र किसी प्रश्न का उत्तर न दे पा रहा है तो उससे संबंधित कोई दूसरा प्रश्न पूछना जो कि पहले प्रश्न संबंधित हो जिससे छात्र अपने पूर्व ज्ञान को अपने टॉपिक से जोड़ सके। देखिए बोला जा रहा है कि खोजपूर्ण प्रश्न कौशल क्या होता है, मान लीजिए आप क्वेश्चन पूछ दिए कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के बाद कौन सा गैस निकलता है, तो एक क्वेश्चन हो गया बच्चा को मालूम नहीं, तो आप दूसरा क्वेश्चन पूछे कि O2 किसका सिंबल है, तो बच्चा बताएगा फिर ऑक्सीजन का है, तो वो तो आप वही बताइएगा वहाँ पे कि क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के बाद क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो ये चीज़ आप पूर्व ज्ञान से जोड़ के बच्चा समझ जाएगा, अपने टॉपिक को जोड़ लेगा, तो ये क्या होता है खोजपूर्ण प्रश्न कौशल होता है। आप देखते हैं सातवां है उद्देश्य कौशल का मतलब हुआ है कि आप बच्चा को बताइए कोई चीज़ आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो बताइएगा ना कि इस टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, तो वही उद्देश्य कौशल होता है। लिखा हुआ है हम जानते हैं कि शिक्षण कार्य हमेशा उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, मतलब शिक्षण कार्य क्या होना चाहिए कि हमेशा उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए जिसके लिए कक्षा कक्ष में शिक्षक द्वारा जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसका एक अपना निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, इसे ही उद्देश्य कौशल कहते हैं, मतलब शिक्षक कोई भी चीज़ पढ़ा रहा है तो उसका उद्देश्य होना चाहिए, वही क्या होता है उद्देश्य कौशल होता है। आठवां है दृष्टांत या उदाहरण कौशल, मतलब उदाहरण कौशल में आप में होना चाहिए, शिक्षक है उसमें उदाहरण कौशल, बच्चा कोई विषय वस्तु पढ़ा रहा है तो उदाहरण देकर भी पढ़ा सकता है। लिखा है यदि कोई टॉपिक बच्चों की समझ में नहीं आ रही है तो उसको उदाहरण के माध्यम से बच्चों को समझाना या दिखाना चाहिए, जैसे किसी कहानी के माध्यम से, कोई चित्र या मानचित्र, वास्तविक उदाहरण, प्रायोगिक उदाहरण का उपयोग करना चाहिए जिससे बच्चों को करके सीखने की रुचि उत्पन्न हो सके। देखिए बच्चा कोई टॉपिक समझ नहीं है तो आप उसको उदाहरण से या कोई चीज़ से आप समझा रहे हैं मानचित्र से या चित्र से, वही क्या होता है कि दृष्टांत या उदाहरण कौशल के अंतर्गत आता है।
नौवां है व्याख्यान कौशल। देखिए बहुत जरूरी है, जब आप बड़ी कक्षा में जाइएगा तो वहाँ व्याख्यान कौशल मतलब लेक्चर स्किल का होना आप में बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो वही चीज़ बोल रहा है कि टीचर में एक लेक्चर स्किल होना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि व्याख्यान कौशल बड़ी कक्षा के लिए उपयोगी होती है। व्याख्यान पूर्व ज्ञान संबंधी रुचिपूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। जैसे आप व्याख्यान दे रहे हैं मतलब लेक्चर दे रहे हैं तो क्या हो कि वह पूर्व ज्ञान से संबंधित रुचिपूर्ण एवं उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। दसवां है शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग कौशल, मतलब आप में शिक्षक सामग्री प्रयोग कौशल का मतलब स्किल होना चाहिए। इस कौशल के अंतर्गत शिक्षकों के दिस सहायक सामग्री का कुशलता पूर्वक प्रयोग होना आता है आना करना प्रयोग करना आता है। मतलब इस कौशल के अंतर्गत जब जिसमें शिक्षक सहायक सामग्री प्रयोग कौशल आ जाएगा तो उस कौशल के अंतर्गत क्या है, शिक्षक को दृश्य श्रव सहायक सामग्री की कुशलता पूर्वक प्रयोग करना आता है। आप जो भी सहायक सामग्री प्रस्तुत कर रहे हैं वो पाठ्यक्रम के अनुरूप हो, रोचक एवं उद्देश्यपूर्ण एवं सस्ती हो। मतलब आप जो भी सहायक सामग्री अपने कक्षा में कर रहे हैं तो क्या हो कि वह पाठ्यक्रम से संबंधित हो, वह रोचक हो, अतिशय मतलब उद्देश्यपूर्ण एवं वह सस्ती हो। अब देखते हैं कि निष्कर्ष, इतना आपका हो गया कौन शिक्षण कौशल के प्रकार। अब देखते हैं निष्कर्ष कंक्लूजन। लिखा है कि उपरोक्त विवरण से स्पष्टता है कि वर्तमान समय की बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में शिक्षक में शिक्षण कौशल की होना अति आवश्यक है। मतलब बोल रहा है कि वर्तमान समय की जो बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है उसमें क्या होना चाहिए, शिक्षक में शिक्षण कौशल का होना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना शिक्षण कौशल के शिक्षण प्रक्रिया प्रभावपूर्ण नहीं हो सकती है। मतलब बिना शिक्षण प्रक्रिया क्या होगा, मतलब शिक्षण कौशल के शिक्षण प्रक्रिया क्या होगा कि प्रभावपूर्ण नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार एक सैनिक को युद्ध क्षेत्र में हथियार चलाने के सभी कौशलों में निपुण होना चाहिए, ठीक उसी प्रकार एक सफल शिक्षक होने के लिए शिक्षण कौशल की जानकारी होना अति आवश्यक है। मतलब बोला जा रहा है कि सैनिकों के लिए युद्ध क्षेत्र में क्या होना है कि हथियार चलाने के सभी कौशलों से निपुण होना चाहिए, तो ठीक उसी प्रकार एक सफल शिक्षक होने के लिए आप में क्या होना चाहिए, शिक्षण कौशल की जानकारी होना अति आवश्यक है। थैंक यू।